हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी का सीजन आ गया है और हम सभी को आइसक्रीम बहुत ही पसंद आती है, इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आइसक्रीम की रेसिपी। इसमें हम एक बेस से दो तरीके की आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसे। एक बर्तन में मैंने यहाँ पर एक कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है और एक कप दूध सेम उसी कप से लिया हुआ है जिस कप से मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। आप इसे हैंड मिक्स से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर बीटर से भी। मैं फिलहाल यहाँ पर बीटर यूज कर रही हूँ इसे मिक्स करने के लिए। यहाँ पर हमें सिर्फ मिल्क पाउडर जब तक दूध में पूरा मिक्स नहीं होता है तब तक इसे मिक्स करना है। आप इसे मिक्सर में भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चले देखते हैं आगे हमें क्या करना है। एक कप मैंने यहाँ पर हैवी क्रीम यूज की हुई है और ये उसी कप से मैंने मेजर किया हुआ है जिस कप से मैंने मिल्क पाउडर और दूध लिया था। हमें इस क्रीम को यहाँ पर सॉफ्ट पीक तक बीट करना है। क्रीम मेरी यहाँ पर सॉफ्ट पीक तक बीट करके हो चुकी है। जो हमने यहाँ पर दूध और मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें डालना है। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है और फिर इसे बीट करना है। इसी तरह से हमें ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा करके डालना है, फिर बीट करना है, फिर डालना है और बीट करना है जब तक ये पूरा मिक्सचर जो है हमारा इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता है अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है ये मेरा मिक्सचर जो पूरा अच्छे से बीट हो चुका है। अब मैं इसे दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटे से कटोरी में दूध में 5-6 केसर के धागे डाले हुए थे और कुछ देर के लिए इसे रख दिया था। अब मैं इसे एक पार्ट के जो मिक्सचर में है वो डालकर हमें इसे मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से बीट करना है। ये हमारी राजभोग आइसक्रीम यहाँ पर तैयार होगी। इसके अंदर आप चाहिए तो पीला कलर यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी कलर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसे नेचुरल ही कलर दे रही हूँ। जो क्रीम मैंने यहाँ पर यूज की हुई है ये हैवी क्रीम है, इसके अंदर ऑलरेडी शक्कर था इसीलिए मैंने यहाँ पर शक्कर यूज नहीं किया हुआ है। अगर आप जो क्रीम यूज कर रहे हो उसमें शक्कर नहीं है तो आप उसके अंदर 1/2 कप चीनी डाल सकते हैं। वो चीनी आपको पीस के लेनी है या पीसी हुई चीनी उसमें डालना है जब हम दूध का मिक्सचर और मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार करते हैं तब। अब जो हमारा यहाँ पर दूसरा पोर्शन है उसके अंदर हम वेनिला फ्लेवर मिक्स करेंगे। हमें इसमें 1/2 स्पून वेनिला एसेंस डालना है। आप अगर वेनिला एसेंस नहीं भी डालते तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। एसेंस डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीट करना है। अगर इसे नहीं डाल रहे हैं तो बीट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्लास्टिक के कंटेनर में हमें ये यहाँ पर मिक्सचर जो है आइसक्रीम का वो डालना है। उसके ऊपर हमें ये प्लास्टिक का शीट है वो रखना है और फिर उसके बाद में उसके ढक्कन से हमें बंद करके 4 घंटे के लिए फ्रीज करना है फ्रीजर में। उसी तरह से हमें वेनिला आइसक्रीम का भी मिक्सचर डालना है एक कंटेनर में और उसके ऊपर प्लास्टिक से कवर करके उसको ढक्कन लगाकर उसे भी 4 घंटे फ्रीजर में फ्रीज कर देना है। चार घंटे हो चुके हैं। अब मैं फिर से उसे एक बर्तन में निकालूंगी और उसे 2 से 3 मिनट तक फिर उसे बीट करूंगी ताकि ये अच्छे से बीट हो जाएगा। तो जब ये आइसक्रीम बनके तैयार होगी तो ये अच्छे से मस्त मुलायम और स्मूथ लगेगी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी।
अब हमें फिर से उसी कंटेनर में इसे निकाल देना है, प्लास्टिक शीट से इसे कवर करके फिर से ढक्कन लगा के इसे फ्रीजर में रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये पूरी तरह से सेट नहीं हो जाती। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सेम उसी तरह से अब मैं यहाँ पर राजभोग की आइसक्रीम को बाउल में निकालूंगी और उसके बाद उसको भी यहाँ पर 2 से 3 मिनट बीट करूंगी। ये राजभोग की आइसक्रीम है तो जाहिर सी बात है इसमें ड्राई फ्रूट तो होगी ही, तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता इन सबको अच्छे से बारीक किया हुआ है। अब हमें इसे ऊपर से डालना है और अच्छे से हल्के हाथ से सिर्फ इसे मिक्स करना है। अब फिर से इस बर्तन में हमें जो प्लास्टिक का है इसके अंदर ये आइसक्रीम सेट करने के लिए रख देना है और उसके ऊपर में फिर से थोड़ा सा जो बचा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता है वो उसके ऊपर डालूंगी और फिर प्लास्टिक के शीट से और उसके ढक्कन से ढककर हमें फिर से इसे फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देना है 5 से 6 घंटा, या फिर जब तक ये सेट नहीं हो जाती है, या फिर आप पूरा ओवरनाइट भी इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। छह घंटे यहाँ पर हो चुके हैं और मेरी आइसक्रीम यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब मैं इसको आपको निकाल कर बताती हूँ ये कैसे बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वेनिला की आइसक्रीम बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ इसे। ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ये आइसक्रीम और थोड़ी सी पिघलना भी ये चालू हो चुकी है। अब मैं आपको राजभोग की आइसक्रीम का बताती हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पर राजभोग आइसक्रीम ये कर रही हूँ फ्रेंड, वेनिला आइसक्रीम दिखाने के इसमें मेरे राजभोग यहाँ पर थोड़ी सी मेल्ट होने लगी, तो मैंने यहाँ पर फिर से उसको सेट करने के लिए रख दिया। ये देखिए यहाँ पर राजभोग आइसक्रीम भी तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कैसे लगी प्लीज मुझे जरूर बताइए। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।